अगर लोगों को ये लग रहा था कि रिलीफ पैकेज कोरोना से परेशान लोगों के लिए और इकोनॉमी के लिए और बिजनेसेस के लिए आना है, तो अभी शायद उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार अपने लिए बड़ा भारी रिलीफ पैकेज जुटा रही है। आपने ये खबर सुन ही ली है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। कुछ राज्य सरकारें पहले से बढ़ा रही थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पेट्रोल और डीजल अभी 18 रुपये 20 रुपये का एक्चुअली उसकी कॉस्ट है, उसके ऊपर करीबन 50 रुपये का टैक्स अब हो गया है। 250% का टैक्स आप समझ लीजिए कि सरकार आपसे वसूल रही है। आपके लिए अभी रिटेल में कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस कीमत को पब्लिक सेक्टर की जो ऑयल कंपनियां हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी। लेकिन अगर उनकी बैलेंस शीट हेल्दी हो रही थी, उनके पास कमाई होती और वो कैश फ्लो अच्छा बना के रख सकती थी, क्योंकि पिछले दिनों लगातार क्रूड के दाम गिरे हैं, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये पैसा आपके खाते में नहीं रहेगा, हमारे पास रहेगा। हमको पता है कि सरकार के पास टैक्स की वसूली बहुत घट रही है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी स्लोडाउन में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो कंज्यूमर को राहत देने का कोई अगर मौका था सरकार के पास, तो उसमें सरकार ने वहां पर तो कंजूसी कर दी और अपने लिए पैसे जुटाने का इंतजाम पहले कर लिया। इसके पहले हम लोग जोड़ा करते थे कि $60 पर बैरल के आसपास हमको तेल पड़ता है, अभी वो $25-30 पड़ रहा है। उसके बावजूद सरकार को चूंकि टैक्स चाहिए, तो उन्होंने राहत पब्लिक को देने के बजाय अपने लिए इकट्ठा कर ली। और ये सभी सरकारें करती हैं। पिछले दिनों आपने ये भी देख लिया कि जब शराब की दुकानें खोली गईं, तो अचानक 70% का एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। कहाँ? दिल्ली की सरकार ने ऐसा किया। तो जब सरकार के पास टैक्स का इशू आता है, तो वो क्या करती है? एक चीज़ है ऑयल, दूसरी चीज़ है अल्कोहल, तीसरी चीज़ है सिगरेट और चौथी चीज़ है सोना। इस पर उसका अटैक हो जाता है। इसके दुष्परिणाम कितने बड़े हैं उसको समझिए। आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो भारत के चार बड़े महानगर हैं, इन चारों में डीजल का दाम $140 प्रति बैरल के लगभग आता है, और जबकि कच्चे तेल का दाम अगर हम देखें तो वो $25 से $30 प्रति बैरल के बीच में ही है। तो इसमें अगर हम रिफाइनिंग का, रिटेल का कुछ मार्जिन जोड़ लें, तो भी तेल का दाम $40 प्रति बैरल के लगभग होना चाहिए। जो बाकी $100 हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो इन टैक्सेस की वजह से डीजल का जो दाम होना चाहिए उसका 3 या 4 गुना ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या नुकसान होता है? सबसे पहला तो ये कि मैं अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि मेरी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरा कोई चाइना में या कहीं और कॉम्पिटिटर है, वो मेरे मुकाबले डीजल का 1/3 या 1/4 पैसा ही दे रहा है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि इसकी वजह से भारत में आने वाला FDI कम हो सकता है। तो आज कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी कंपनियां चाइना से अपने ऑपरेशन निकाल के कहीं और करना चाहती हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि ये कंपनियां इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करें। लेकिन अगर मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हूँ और मैं देखूँ कि भारत में मेरी इनपुट कॉस्ट, जैसे कि डीजल की कीमत या बिजली की कीमत, कहीं और के मुकाबले में 3 या 4 गुना ज़्यादा है, तो शायद मैं भारत ना आऊँ, मैं अपना ऑपरेशन कहीं और ले जाना पसंद करूँ। और तीसरा नुकसान ये होगा संजय, कि आज से कई साल पहले, 15 से 20 साल पहले, ये तेल माफिया एक बहुत बड़ी माफिया थी भारत में। ये केरोसिन खरीदते थे सब्सिडी वाला, और इसको डीजल या पेट्रोल में मिला के काफ़ी बड़े मुनाफे पे बेचते थे। अब अगर हम केरोसिन डीजल पे इतना ज़्यादा टैक्स कर दें कि डीजल की कीमत केरोसिन से 3 या 4 गुना ज़्यादा होगी, तो ये वाला माफिया फिर से पनपेगा। आपको याद होगा 2005 में मंजुनाथ शनमुगम, जो इंडियन ऑयल में एक सेल्स ऑफिसर थे, इस माफिया ने उनका काफ़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया था। तो अगर हम मार्केट में इस तरह के इनकन्सिस्टेंसी ले आएँ कि एक प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा है और दूसरे का बहुत कम है, तो हम इस तरह के माफिया को भी थोड़ा बढ़ावा देंगे। अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो इसके काफ़ी अलग 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 नुकसान हो सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हमें गोल्ड पर देखने में मिलता है। अगर आप 70 के दशक में चले जाएं, तो सोने की स्मगलिंग एक बहुत बड़ा चीज़ फिल्मों में हुआ करता था। जब 1990s में हमने सोने पर टैक्स कम कर दिए, तो यह स्मगलिंग अपने आप ही ख़त्म हो गई। अब पिछले 3 या 4 साल में गोल्ड पर इम्पोर्ट टैक्स 6% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर भारत के अंदर 100 ग्राम सोना लाता हूँ बिना टैक्स दिए, तो 12.5 ग्राम, तकरीबन 1 तोला मेरा मुनाफा हो जाता है। तो हमने सोने पे टैक्स इतना ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से पिछले 3 या 4 साल में सोने की स्मगलिंग फिर से शुरू हो गई है। और अगर आप अपने आसपास न्यूज़ में देखें, तो दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एयरपोर्ट्स में अक्सर लोग मिडिल ईस्ट से आते हुए सोने की स्मगलिंग करते हुए पाए जाते हैं।
अगर ज्यादा हम टैक्स बढ़ा दें तो हम इस तरह की स्मगलिंग को भी बढ़ावा देते हैं। सरकार को ये लगता है कि इस तरीके से एक्साइज बढ़ा करके वो करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए उगाह लेगी इस साल में, लेकिन जब इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में है तो इतना रेवेन्यू भी उसके पास आ पाए ये ज़रूरी नहीं है। पॉइंट यही है कि जो पब्लिक को थोड़ी राहत देने का मौका होता है तो सरकार की टैक्स की भूख इतनी ज़्यादा है कि वो पहले अपना पेट भरती है, पहले अपने लिए रिलीफ जुटाती है। जहाँ तक कोरोना के महामारी के बाद, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी में लोगों की नौकरी, कमाई और जान और जहान दोनों को मदद करने का सवाल है, उसके लिए लगता है कि अभी और लंबा इंतज़ार हमको करना पड़ेगा।